वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए मनरेगा के तहत CIB बोर्ड बनाने का एक बहुत बड़ा रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी भर्ती आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में फाइनली हम बात करते हैं उन सारी सुविधाओं की, उन सारी रोज़गार व्यवस्था की जो आपके लिए उपलब्ध है। तो इस वीडियो में फाइनली आपको बने रहने की ज़रूरत है ताकि पूरी बातें आप समझ पाएँ। नमस्कार, मेरा नाम है भीमा चित्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ट्रिकी नंबर वन। तो ट्रिकी नंबर वन की पहचान सही और सॉलिड ज्ञान। वीडियो में आपको जानकारी जो मिलने वाली है CIB बोर्ड बनाने की, जिसमें समूह की सभी महिलाएं जो है इसमें शामिल होंगी। यहाँ पर पूरी रिपोर्ट्स की बात करें तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसमें जुड़ी स्वयं सहायता समूह की सभी महिलाओं को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मनरेगा में रोजगार हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना के तहत सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को CIB बोर्ड बनाने की कार्य दिया गया है, जो कि महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं और CIB यानी कि बोर्ड बनाने का कार्य करना चाहती हैं। वह सभी महिलाएं आज के इस आर्टिकल को जानेंगी और आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देखेंगी, तो उनको वीडियो के साथ बने रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पर अगर हम बात करें महिलाओं को मनरेगा के तहत जो CIB बोर्ड बनाने की रोज़गार की बात है, तो आप सभी अगर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत CIB बोर्ड बनाने का काम दिया जाएगा, और इसमें अगर आप सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, कार्य करना चाहती हैं, तब आपको इसमें आवेदन कर सकती हैं। आप सभी स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, आपको बता दें कि CIB बोर्ड का निर्माण आप सभी महिलाएं करेंगी, और आप सभी महिलाओं को बता दें कि CIB बोर्ड का प्रयोग जो भी क्षेत्र सड़क या फिर अन्य जगह में CIB बोर्ड लगाए जाते हैं, अगर सड़क निर्माण होता है वहाँ भी CIB बोर्ड लगता है, मनरेगा में काम होता है तो वहाँ पर भी CIB बोर्ड लगता है, यानी कि ये CIB बोर्ड की उपयोगिता बहुत ही ज़्यादा है, जिसके तहत आप सभी समूह की महिलाओं को मनरेगा के तहत CIB बोर्ड बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर आप सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर मनरेगा के तहत CIB बोर्ड बनाने का कार्य करना चाहती हैं, तो इसकी ट्रेनिंग भी आपको लेनी पड़ेगी। तब आप सभी महिलाओं को बता दें कि सभी महिलाओं को ग्रामीण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर आप सभी महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। आप सभी महिलाओं को RCT के तहत इस रोज़गार को दिया जाएगा और इसकी ट्रेनिंग भी आप लोगों की वहीं पर दी जाएगी। आप सभी महिलाओं को RS यानी कि जो आपका RSEIT के तहत ट्रेनिंग दी जाती है, आप सभी महिलाओं को एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जिसके तहत आपके पास एक प्रूफ होगा कि आप सभी को ट्रेनिंग मिल चुकी है, और उसी के चलते उस प्रशिक्षण के बाद आप सभी को ट्रेनिंग हो जाएगी, और फाइनली आप सभी को आसान तरीके से बैंक का लोन दे दिया जाएगा, जिससे आप सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं रोज़गार कर सकें। और आप सभी महिलाओं के ट्रेनिंग के दौरान जो भी भोजन सुविधा बिल्कुल मुफ्त में दी जाएगी। आप सभी महिलाओं को बता दें कि इस रोज़गार करने की ट्रेनिंग घरों से ज़्यादा दूर पर नहीं होगी, आपके अपने नज़दीकी रिसर्ट जहां पर होंगे यानी कि RSEIT क्षेत्र जहां नज़दीकी होंगे वहीं पर आपकी ट्रेनिंग भी होगी। तो फाइनली ये सारी चीज़ें आपको करनी है और आपको अच्छे खासे पैसे अर्न करने को मौके मिल सकते हैं ट्रेनिंग लेने के बाद। आप सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो भी हैं इस रोज़गार को अगर करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं तभी आप कर सकती हैं। और अगली वीडियो जो आपको मिलने वाली है वो ये है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बालों में लगाने वाले तेल बनाने का रोज़गार कैसे शुरू करें, ये आपके स्वयं सहायता समूह में ऐड हो चुका है। इस वीडियो में जो भी जानकारी मिली आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। फाइनली ऐसी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।